आप सभी जन लोगों का आज आगमन है. सॉरी फॉर माई वॉइस, आई गॉट अ बैड कोल्ड यस्टरडे. और मैं ये जो 10 मिनट का टाइम है, ये मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाऊंगी. अगर आप देखोगे कि आज हम मना रहे हैं आर्थराइटिस का दिन, और आप फोटोग्राफ देखो तो उधर क्या है, इट्स अ एट्थ मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो उस फोटो में क्या एक महत्व चीज़ छिपा है, उसमें आप देखोगे शुरुआत से एक बच्चा है, और फिर एक गर्भवती औरत है, और लास्ट में एक बुढ़ी औरत है. तो ये क्या बताता है आपको कि कोई से भी उम्र में आपको आर्थराइटिस पकड़ सकता है. अगर आपको ये जानकारी नहीं रहेगा तो शायद आप भटकते रह जाओगे, और यही कारण है जो ये मैंने फ़ोटो आज डाला है. और जब एक बार आपको आर्थराइटिस हो जाता है तो आपके मन में बहुत विचार आते हैं. सबसे पहले विचार ये होता है, मुझे क्यों हुआ, दूसरों को क्यों नहीं. पर हमेशा ये सोचो, मुझे हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं, और हम क्या इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट कैसे हम देंगे. अगर आप देखोगे तो ये एक तरह का एक एक्सरे है जो बता रहा है हर टाइप का आर्थराइटिस, हर जोड़ पकड़ा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखें, एक भी जोड़ छूटा नहीं है. पर ये क्या है, ये एक आपको आइडेंटिफिकेशन बताता है कि इसी जोड़ के उसमें से आप 100 प्रकार के आर्थराइटिस में ढूंढोगे कि पेशेंट को क्या है. फिर देखिएगा कि ये है एक क्लासिकल पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये पेशेंट कब हमारे पास आता है, ये रूप लेके, जब वो 4 से 5 साल वो भटक चुका होता है, या तो एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, या एक फिजिशियन के पास, या अपने जो बाजू वाले बोलते हैं कि चलिए आयुर्वेदिक के पास चले जाइए, होम्योपैथी वाले के पास चले जाइए. जब तक वो हमारे पास आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उस समय वो चाहता है कि हम उसके हाथ पैर एकदम ठीक कर दें. जैसे पंजाबी में कहते हैं चंगा कर दीजिए, पर हम चंगा नहीं कर पाते हैं. हाँ, फिर आप देखिए ये पैर है. पैर में अगर नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे पहले आपको क्या जहन में आएगा, ये तो हड्डी का मामला है, चल हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं. फिर आप पैरों के साथ देखिए, कहीं ना कहीं चमड़ी के भी कुछ दागे हैं, तो वो हमें छोड़ के वो एक चमड़ी के डॉक्टर के पास चला जाता है. तो आप देखते जाओ वक्त कितना गुजरता जा रहा है बिना पेशेंट को एक सही डॉक्टर के पास पहुंचने में. फिर आप पैर तो मैंने बता ही दिया आपको. ये हमारी जो पेशेंट है जो हमारे मेडिकल कॉलेज में आए थे, अगर आप पास से देखो तो इनकी हड्डियाँ एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं, चमड़ी एकदम कड़क हो चुकी हैं. और ये क्यों आया एक सर्जिकल ओपीडी में, क्यों, बिकॉज उसके फिंगर्स नीले पड़ गए थे, जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना, और वो गया था बिकॉज उसको डिजिटल अल्सर्स हो गए थे. तो वो पहुंच गया अपने सर्जरी वालों के पास कि कुछ सर्जरी करना पड़ेगा, और उससे वो हमारे पास मेडिकल कॉलेज में संधिवात डॉक्टर के पास पहुँचा. अब ये देखिए, कहीं ना कहीं ये जो संधिवाद है आँखों से भी जुड़ा रहता है. हम क्या करते हैं, अपनी आर्थराइटिस को भूल जाते हैं और आँखों के डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं. आँख के डॉक्टर क्या करते हैं, वो टीपा पर टीपा डालते रहते हैं. 6 महीने 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, बाद में किसी को एक ट्यूबलाइट से चमकता है, कहीं ये संधिवाद से तो जुड़ा नहीं है, और तब वो हमारे पास आते हैं. तो मैं क्या इस पिक्चर के दौरान मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि संधिवाद एक सिर्फ एक जोड़ों से आश्रित नहीं है, ये आपके ह्यूमन बॉडी के हर ऑर्गन से कहीं ना कहीं जुड़ा है. आप उसे समझो और अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि कहीं ना कहीं ये सब भी दोषी होते हैं. अब ये समझिए, अब तो ये मैंने फोटो दिखाया किसका, फेफड़े का. अब ये पेशेंट के कभी छाती में पानी भर गया, कभी दमा लग गया, कभी निमोनिया हो गया, कभी सांस फूलने लगी, तो ये पेशेंट क्या करते हैं, बोलते ये तो है तो फेफड़े की बीमारी,
तो हम संधिवाद वाले के पास क्यों जाएं? वो चले जाते हैं जीपी के पास या तो चेस्ट फिजिशियन के पास, वो उन्हें टीबी का औषध एंटीबायोटिक्स देता रहता है, पर कहीं ना कहीं ये अगेन ये लंग्स भी आपके जोड़ों से जुड़ा है, आर्थराइटिस से जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं मल्टी सिस्टम डिजीज़। अब ये देखिए, अब ये जो सर ने कहा था, बीच में एक नाम लिया था सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, नेल्स है ना, हमारे नेल्स वो बड़े गंदे दिखने लगते हैं। अगर ये यंग लड़की को या लड़के को होता है तो वो सालों निकाल देता है अपने नेल्स को ठीक करने के पास, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। वो क्या करते हैं, क्रीम लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। उसी दौरान एक छोटा सा जॉइंट में सूजन आ जाता है और वो चमड़ी वाले डॉक्टर भूल जाते हैं कि इसके साथ हमें उनके जॉइंट पेंस के बारे में भी पूछना चाहिए, जो वो भूल जाते हैं। और जब ये पेशेंट को जोड़ों का दर्द होता है तब वो हमारे पास आते हैं, तो जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो आप पिक्चर में देख लीजिए, उसमें काफ़ी सूजन है और चमड़ी का भी रोग है और नेल्स भी डिफेक्टिव हैं। अब ये देख लीजिए, सभी लोग ने सुना होगा ये वर्ड ल्यूपस, ल्यूपस जिसे हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस देते हैं। एक छोटा सा कार्टून मैंने बनाया है, उसमें अगर आप पास से देखोगे ऐसा कोई भी भाग नहीं है शरीर का जिसको वो इफ़ेक्ट नहीं करता। आप देखोगे लंग्स भी है, किडनी भी है, आपके हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्किन भी है, आइज़ भी है, रैश है, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड। और ये इसे हम कहते हैं ल्यूपस। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारा आज का कार्यक्रम है कि आपको मैं इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस लाऊं, और अगर हम इसी बीमारी के बारे में बोलते रहेंगे तो शायद रात हो जाए। नेक्स्ट ये है नाउ पैथोजेनेसिस। एक यंग माँ आती, सपोज 30-35 की, जिसको मैंने डायग्नोज किया ल्यूपस, उसका पहला जवाब क्या, क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, क्या मेरे बच्चों को ल्यूपस होएगा क्या? तो मैं तो ये तो आप ना भी नहीं बोल सकते हो और हाँ भी नहीं बोल सकते हो, तो आपको जरा बीच का शब्द यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर जेनेटिक है, पर जेनेटिक के साथ हमारा एनवायरनमेंट भी उस पर काफ़ी हद तक उसका भी असर होता है। एनवायरनमेंट मतलब सनलाइट आ गई, आपके इन्फेक्शन्स आ गए, टॉक्सिन्स आ गए, और कभी कभी कुछ कुछ कीटाणु हमारे शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है और वो शायद आपको ल्यूपस को ट्रिगर कर सकता है। और यह फ़ोटो मैंने दिखाया एक शुरू से लेके अंत में, तो हम ये नहीं बोल रहे कि सभी मर जाएंगे, वो जो मैंने कैप्शन रखा है लास्ट में, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप सही जगह नहीं पहुँचते हो तो मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी बढ़ जाती है इस बीमारी की। अगर बहुत कभी कभी क्या होता है, ये पेशेंट घूमते घूमते, जिसे हम क्या कहते थे अपने ज़माने में, भूले बिसरे गीतमाला बिना का गीतमाला टाइप्स, भूले बिसरे घूमते घूमते, चलो भाई अब सब ट्राई तो कर लिया, अब एक एलोपैथिक डॉक्टर को ट्राई कर ही लेते हैं, तब तक वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। आप देख रहे हो हाथ तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और अगर हाथ ही ना काम कर सके तो आप क्या काम करोगे। सो दिस इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ a rheumatoid hand. Now the question, in a short conclusion, because हमें सभी को 10-10 मिनट दिया गया है बात करने को, तो ये conclusion में मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे misperception about arthritis है, the patient about arthritis, patient के भी अजीब धारणा होते हैं, ये हमें क्यों हो गया, दवा के खाने से या infection से, तो उनके अपने धारणा होते हैं। फिर होता है एक lack of disease understanding and knowledge about treatment options, and this awareness program is basically to highlight the need for increased awareness about the disease. Aur last mein main kya bolna chahti hu, sun is rising for patients with rheumatic diseases, the future is bright agar aap sahi jagah sahi samay sahi doctor ke paas aap pahunch sake. Aur ye jo 10 minute ka jo mera presentation tha, ye bhi ki basically aapko aware karne ko tha ki ये बीमारी बहुत अलग अलग ऑर्गन से जुड़ी है, आप जितना जल्दी आ जाओ हमारे पास आप उतने ही नॉर्मल हो जाओगे बहुत ही जल्दी। और थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।